ओके तो अभी हम जो लेक्चर चला रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका लिंक मैं डाल दूंगा, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर साइज का क्या इफेक्ट होगा डीएनए का, एग्रोज जेल कंसनट्रेशन का, कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ एटीपीआर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ एग्रोज और बफर सिस्टम जो हम यूज़ करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यानी मूवमेंट ऑफ और सेपरेशन ऑफ डीएनए की। तो जो टाइप ऑफ एग्रोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के एग्रोज अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे नोट किए इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडर्ड हाई जेल स्ट्रेंथ एग्रोज, फिर जो आजकल मोस्टली यूज करते हैं फॉर द रिसर्च दैट इज लो मेल्टिंग एंड जेलिंग टेम्परेचर एग्रोज। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास फर्स्ट है दैट इज लो EEO जेलेडियम। EE स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस, इसका भी एक लेक्चर हम अलग से ले लेंगे ये कंसेप्ट का। तो लो इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस जो कि है जेल, जो कि इसका सोर्स अलग है, यहाँ पे दो मैंने मेंशन किए, लो ई इसका सोर्स है जेलेडियम, इसका सोर्स है ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो इसका जो जेलिंग टेम्परेचर देखिए 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग है दैट इज 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो सेकंड है दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रेसिल एरिया, इट इज 42 डिग्री एंड 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हाई जेल स्ट्रेंथ है, हाई जेल स्ट्रेंथ का ये फायदा होता है कि आप इसको लो कंसनट्रेशन ऑफ एग्रोज, लो कंसनट्रेशन ऑफ एग्रोज जैसे कि 0.3% की एग्रोज बनाओगे तो भी ये जेलिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है जी। और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड जेलिंग टेम्परेचर जिसमें जेल बन जाती है 34 टू 43 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा 85 टू 95 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि इन जेल्स को, ये जो जेल हैं, ये जो एग्रोज हैं, इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया ताकि जो ये जेलिंग प्रॉपर्टी और मेल्टिंग प्रॉपर्टी इसको डिक्रीज किया जा सके। रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड ये है कि जब एग्रोज आप एग्रोज जेल रन करते हो है ना, तो आपके पास एक डीएनए आ जाता है, इसको आप चाहते हो कि नहीं ये डीएनए मुझे चाहिए, ठीक है, दैट यू वॉन्ट टू रीस्टोर दैट डीएनए। और डीएनए रीस्टोर के लिए हम क्या करते हैं, उस जेल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। अब जेल को मेल्ट करना मतलब हीट करना, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम हीट प्रोवाइड करें ताकि जो डीएनए है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, है ना, नेग्लिजिबल हो, ठीक है जी। मेल्टिंग एंड जेलिंग टेम्परेचर एग्रोज, ठीक है। तो ये क्या किया, जो स्टैंडर्ड एग्रोज हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो उसको अगर हाइड्रोक्सीथाइलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है, और बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर जेलिंग टेम्परेचर विल बी लो, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इसका क्या है, जो ये इसका मेल्टिंग एंड लो मेल्टिंग एंड जेलिंग टेम्परेचर एग्रोज हैं, इसका जैसे जेलिंग जो टेम्परेचर अराउंड 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस होगा और मेल्टिंग जो अराउंड 63 टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो आप कंपैरिजन करेंगे ये टेम्परेचर काफ़ी कम होगा जो स्टैंडर्ड एग्रोज हम ले रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या एक अल्ट्रा लो मेल्टिंग है, इसका टेम्परेचर देखिए जेलिंग 8 टू 15 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या कर रही है, जेलिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है, और इसको जो मेल्टिंग टेम्परेचर अराउंड 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी हमने आपने एग्रोज जेल लेते हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ एग्रोज अवेलेबल हैं मार्केट में, वेंडर्स हैं, तो आप उन्हीं से लीजिए जो रेप्यूटेड हों, और कोशिश कीजिए कि उसमें जो ये EEO है ना, दैट द जेल द एग्रोज शुड बी टेकन वेयर लो EEO विल बी देयर। जैसे अगर मैं बोलूं कि लो मेल्टिंग, तो ये भी आपने कौन सी लेनी है कि जिसका ईई इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस क्या हो, लो, ठीक है। अगर अल्ट्रा लो मेल्टिंग रही तो उसमें आपने इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस क्या लेना है, लो लेना है, जीरो वाला नहीं लेना है, है ना। वी नॉट टेक द ईईओ जीरो, बट एटलीस्ट ट्राई टू लो, मतलब इट शुड बी लो बट नॉट जीरो, ओके। तो ये हम एक टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रो एंडोसोसिस, उसमें आपको समझाएं कि क्या इफेक्ट होता है, क्या ये कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रो एंडोसोसिस, ठीक है। तो जब भी आपने जेल लेनी है, एग्रोज लेनी है, तो आपने कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं वो हमेशा याद करने हैं कि आप वो एग्रोज लीजिए जो कि डिस्प्ले करें मिनिमम बैकग्राउंड ऑफ फ्लोरोसेंस। अगर आपका डीएनए है ना, डीएनए ये आपका जेल है और ये आपका डीएनए, तो यही फ्लोरोसेंट करे, ना कि उसकी बैकग्राउंड फ्लोरोसेंट करे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लेने की कि जो ईटीवीआर है उसका कम इंट्रैक्शन हो एग्रोज के साथ, उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा किसके साथ हो, डीएनए के साथ, ठीक है। फ्री फ्रॉम आरएनएस डीएनएस, अगर आरएनएस डीएनएस एंजाइम हुए तो क्या हो जाएगा,
डीएनए ही डीनेचर कर जाएगा, आरएनए डीनेचर कर जाएगा। डिस्प्ले मिनिमम इनहिबिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर आप कोई प्रोटीन आइसोलेट कर रहे हैं, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी है क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की है, है ना, तो हम चाहते हैं कि वो कम हो, वो इनहिबिशन एक्टिविटी ना हो, किसकी, जेल की, कि जेल में कुछ ऐसा कंपोनेंट जाओगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को इनहिबिट कर दे, है ना, ये स्पेशली जब आप कोई प्रोटीन आइसोलेट कर रहे हो, ठीक है जी। तो शो मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस, वही मैंने बात की, जब भी आप जेल लें तो उसका जो इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस हो वो मॉडरेट हो, बट जीरो ना, ठीक है जी, ठीक है जी। बफर सिस्टम में मैक्रोज में हम दो बफर सिस्टम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वन इज TBE, अनदर वन इज TAE। TE स्टैंड फॉर ट्रिस बोरेट EDTA, वेयर एज दिस TAE स्टैंड फॉर ट्रिस ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड EDTA। इसका जो pH होगा, जो TBE का pH है, दैट इज अराउंड 7.5 टू 7.8 जो यूज करते हैं, वेयर एज TAE का जो pH हम यूज करते हैं अराउंड 8 होता है, ठीक है जी। अब ये जो है बफर सिस्टम, हम इनको कंसनट्रेटेड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे 5x 50x, फिर एज पर द रिक्वायरमेंट अगर आपको 1x चाहिए रनिंग बफर, ठीक है ना, एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक की, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक, एक मैं बात कर रहा हूँ रनिंग बफर, ठीक है जी। जो स्टॉक बफर, मान लो मैंने बोला कि एक हमने लिया 50x और मुझे दूसरा चाहिए, जो रनिंग बफर मुझे 1x चाहिए, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 में क्या है, ये 50x है आपके पास, और C2 क्या है, ये 1x है। तो कितनी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, दैट इज 50, और कितना वॉल्यूम यहाँ से आप लोगे, कितना वॉल्यूम यहाँ से आप लोगे, ताकि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और वॉल्यूम सपोज मैं चाहता हूँ 350 ml, ठीक है। तो इसका V1 निकाल लीजिए, तो दैट इज अराउंड 350 upon 50, इट कम्स टू बी 0.7 ml। तो अब आपने क्या करना है, 7 ml आपने 7 ml लीजिए 50x का, और रिमेनिंग 343 ml क्या लीजिए, डिस्टिल वाटर। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया 350 ml, वो आपके पास आ गया 1x TAE बफर, ठीक है जी। तो इस वजह से आप अपना रनिंग बफर की कंसंट्रेशन कम कर सकते हो। तो अगर आपने TBE बनाना है 5x, उसके लिए 54 ग्राम ट्रिस बेस लीजिए, ठीक है, और आप 57.5 ग्राम बोरिक एसिड और 20 ml 0.5 मोलर EDTA, ठीक है। तो ये जो EDTA, ये हमेशा याद रखना, डिजॉल्व होता है pH 8 पे, हमेशा याद रखना। दूसरा जो है TAE बफर, अगर 50x बनाना है तो आपको ये कंपोजिशन चाहिए, 242 ग्राम ट्रिस बेस, 57.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर EDTA, ठीक है, तो आपको ये कंपोजिशन चाहिए। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास TAE है, ठीक है, इसकी जो लोएस्ट बफरिंग कैपेसिटी होती है, इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी लोएस्ट बफरिंग कैपेसिटी, वगैरह जो TBE है, इसकी जो बफरिंग कैपेसिटी वो हाई है कंपैरिजन टू दैट ऑफ TAE। अब जो TAE है क्या करता है, आपको जब आप रनिंग कर रहे हो, एग्रोजेल रन कर रहे हो, तो आपने ये जो बफर है, बफर सिस्टम, इसको चेंज करते रहिए, मतलब कि अगर आप लॉन्ग रन के लिए जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली अगर आप बोले कि 3-4 घंटे अगर आपने एग्रोजेल चलानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस बफर को चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो एनोड है, जो नेगेटिव है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण जो आपका ब्रोमोफिनोल ब्लू है, जो कि हम बोलते हैं कि ट्रैकिंग डाई है, जो क्या है, ट्रैकिंग डाई है, ये क्या हो जाएगी, ये माइग्रेट करेगी टुवर्ड एनोड। लेकिन इसे कहाँ माइग्रेट करना चाहिए, डीएनए क्या था, नेगेटिव चार्ज है ना, और ये अलोंग विद दैट ब्रोमोफिनोल ब्लू, ठीक है, ब्रोमोफिनोल ब्लू के साथ ही कहाँ मूव करिए, टुवर्ड पॉजिटिव कैथोड, है ना, टुवर्ड पॉजिटिव मूव करी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे इसकी क्योंकि बफरिंग कैपेसिटी लो है, टाइम के साथ क्या हुआ, डिक्रीज होती रही, और क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो एनोड पोर्शन है वो क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया, जिसके कारण ब्रोमोफिनोल ब्लू अब कहाँ मूव करिए, टुवर्ड नेगेटिव साइड एनोड मूव करिए, ठीक है जी। अब उसके कारण क्या होगा, जब पीएच 4.6 ये रीच कर जाता है, और
मैक्सिमम टू 3.0 तक पहुंच जाता है। तो जो इसका कलर है ब्रोमोफिनोल का, वो ब्लूइश टू पर्पल और पर्पल टू येलो आ रहा है। अगर आपको ये कंडीशन दिखे जो आपका ब्रोमोफिनोल ब्लू उसका कलर ब्लूइश टू पर्पल हो रहा है, पर्पल टू येलो जा रहा है, तो मैं समझ लेना कि आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर की जो बफरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ओके, वो ख़राब हो गई है। आप उसको बफर को प्लीज़ चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, तो जो TBE है, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या है, हाई है। लेकिन अगर आपने रेजोल्यूशन की बात करें रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन जो है TAE का अच्छा है। अगर आप हाई मॉलिक्यूलर वेट DNA यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपका लो मॉलिक्यूलर वेट है, DNA का लो मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसके लिए आप TBE यूज़ कर सकते हो, क्योंकि TE के लिए इसकी वर्स्ट होती है, मतलब इसकी जो सेपरेशन है, रेजोल्यूशन है TA के लिए, लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए इतना अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, उस टाइम आप TBE में जा सकते हो। ओके, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। तो गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।